अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, केक स्पंज केक आपको पहले सिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और चलें आज सीखते हैं उसके ऊपर आइसिंग करना। मैं पहले ही बता दूं, मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, घर में ही बना बना के बस ये आ गया है, थोड़ा बहुत तो बस इतना आ गया है कि मैं आपको सिखा सकती हूँ। सही है जी। और केक बना था बहुत माशाल्लाह सॉफ्ट, बहुत पसंद आया था। तो चलते हैं, यहाँ पर स्पंज केक जो मैंने आपको पहले इससे पहले वीडियो में बनाने सिखाया था उसके करते हैं तीन पार्ट। ठीक है, ये मैं कटिंग कर रही हूँ, तीन पार्ट इसके मैं करूँगी। आइसिंग मैंने की थी, ये आपको मैं सिखा तो दूंगी लेकिन मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, तो बस थोड़ा बहुत जो आता है वो मैं आपको ना बता देती हूँ कि मुझे किस तरह आता है। एक असमा फ़हीद की कमेंट आया था, एक कमेंट आया था कि भाई आइसिंग वाला केक भी आप ना सिखाएं, क्रीम वाला केक भी सिखाएं। तो चलें जी, क्रीम वाला केक बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने तीन पार्ट कर लिए। ये मैंने कुकिंग चॉकलेट को 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है बटर, बटर कोई सा भी होना चाहिए, सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो भी हो। फिर ये हैवी क्रीम डाली है 3 टेबलस्पून भर के। ठीक है जी, अंदाज़ा है बना बना के, इतना अंदाज़ा आ गया है कि टेबलस्पून वगैरह ये सब वो हो जाता है। उसको कर दिया मिक्स। पहला स्पंज लिया, उसके अंदर ना सोक कर दिया दूध से, बिल्कुल नॉर्मल दूध जो चाय के लिए इस्तेमाल होता है, कोई चीनी वीनी कुछ भी नहीं डाली मैंने इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो गिनाश बनाया था चॉकलेट का, क्रीम चॉकलेट बटर। ठीक है, कुकिंग चॉकलेट कोई सी भी ले लें, जो ब्रांडेड लेनी है वो ले लें, जो खुली मिलती है वो ले लें, जो भी आप लोगों को सहूलत हो। ठीक है, ये लगा दी, एक लेयर चॉकलेट की लगा दी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये हम लोगों ने दूसरा जो है वो केक का पीस उठाया, उसको भी सोक कर दिया दूध से अच्छी तरीके से। ठीक है, जितना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना बिल्कुल पिच पिच हो जाएगा केक। बिल्कुल इतना डालिएगा कि सॉफ़्ट हो जाए, सॉफ्टनेस जो है ना अच्छी इसी से आती है। या तो आप वो चीनी पानी करके वो डाल लें, सिरप बना लें, या दूध से कर लें। मैं ज़्यादातर दूध से ही करती हूँ, वो मुझे ज़रा सही रहता है। सही है जी, इसके ऊपर भी गिनाश लगा लिया चॉकलेट का। आपकी मर्ज़ी, अगर माइक्रोवेव नहीं है आप नहीं कर सकते तो फिर जो है वो आप डबल बॉयलर कर लें। ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली थी, विपी विप की, एक पैकेट में से मैंने एक कप निकाल लिया था। ठीक है, कप मैंने आपको दिखा दिए थे पहले वाली वीडियो में कि वो ना जो मेजरिंग कप होते हैं उसका एक कप है। सही है, इसको कर लेंगे बीट बहुत अच्छी तरीके से। 3-4 से 5 मिनट मैंने अच्छी तरीके से बीट किया था, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है जी, क्रीम ठंडी होने चाहिए, इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है इसके ऊपर हम क्रम कोडिंग करेंगे। क्रम कोडिंग क्या होती है, केक के जो क्रम्स निकल रहे होते हैं ना, जो भुरभुरे जैसे निकल रहे होते हैं, तो बस उसको सेट करने के लिए क्रम कोडिंग की जाती है। यानी कि रॉ क्रीम कोडिंग भी कहते हैं, मतलब कच्ची क्रीम, मतलब एक लेयर, सिर्फ एक लेयर जो है ना वो लगाई जाती है केक के ऊपर। ठीक है, ताकि इसके क्रम्स जो है ना वो क्रीम के साथ बैठ जाएँ। फिर आइसिंग करते हुए ये होता है कि मसला नहीं होता, वो क्रम्स बहुत तंग करते हैं, फिर वो आइसिंग सही से हो नहीं सकती है। अच्छी तरीके से और हल्के हाथ से करिएगा, दबा दबा के मत करिएगा, दबाने से क्या होता है वो क्रम्स और निकलते चले जाते हैं। ठीक है, बस हल्के हाथ से क्रीम लगानी है ताकि वो क्रम्स जो है ना वो बैठ जाएँ और उसके ऊपर क्रीम लग जाएगी तो वो खुद बैठ जाएंगे। ठीक है, क्रीम लगाने के बाद जो है तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको जो है फ्रिज में रखा था। सही है, ठंडी हो जाए। फ्रिज में रखने से क्या होगा, ये पूरा सेट हो जाएगी, पूरी क्रीम अच्छे से ना सेट हो जाएगी बहुत। ठीक है, आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें। कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब बिल्कुल दे दूंगी आपको।
कल एक क्या कहते हैं मेल का किसी का आया था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अभी बताती हूँ क्या कमेंट आया था। यहाँ ये देखें, ये क्रम कोडिंग हो गई है, इसके चारों तरफ ये मैसेज जितना हुआ है ये सब मैं साफ़ करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन आधा घंटा, ताकि ये क्रीम सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह सब कुछ करेंगे। यहाँ मैं फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने ये जो क्रीम है इसके अंदर डाला है 1 कप जो है गिनाश डाल दूँगी बना के। आपको मैंने बनाना अभी पहले सिखा दिया है। ठीक है, इसको मूस बना लेंगे। ठीक है, क्रीम के क्रीम है उसको बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से गिनाश डाल के इसकी चॉकलेट का। हाँ जी, ये हो गया। अच्छी से बीट कर लें, बहुत ज़्यादा मत करिएगा। तकरीबन ये मैंने बीट किया है तकरीबन 1 मिनट। चलिए जी, ये तो हो गई क्रीम तैयार। इसको भी अब मैं रख दूँगी फ्रिज में। एक मैंने नोज़ल ले ली थी नेट वाली, जो बास्केट नोज़ल होती है वो, उसमें डाली मैंने चॉकलेट गिनाश। और एक में जो है वो मैंने जो अभी बनाने सिखाई थी मूस जो बनाने सिखाया था उसके अंदर मैंने फ्लावर नोज़ल लगा दिए। ठीक है जी, ये मैंने बास्केट नोज़ल लगाई है इसके अंदर। ठीक है, बनाने की कोशिश की है, बस ये है कि थोड़ा बहुत सही बन गया, लेकिन केक का टेस्ट बहुत उम्दा बना था, बहुत लजीज। अच्छा जी, मैंने केक बनाना सीखा है अपनी कज़न से, बड़ी हैं वो मेरी कज़न, 1 साल बड़ी है मुझसे, ज़्यादा बड़ी नहीं है। रीम केक से की उनका पेज बना हुआ है फेसबुक पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका पेज का लिंक जो है वो दे दूँगी। अगर आपको ऑर्डर करने हो या अच्छे केक चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, और वहाँ पर ना उनसे कोई भी सवाल भी कर सकते हैं केक के मामले में। तो मैं भी ज़रा सा उससे पूछती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ उससे पूछ पूछ के, क्योंकि ना माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छी बेकिंग करती है, मैं तो इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। खैर, तो ये सब नोज़ल वोज़ल और ये सब जो है मैंने उसी से सीखा है। नोज़ल कौन सी लगानी है, पाइपिंग पैक कैसे पकड़ना है, और कितने पाउंड में कितनी क्या चीज़ें डालनी है, रेसिपीज़ वग़ैरह वो हमें देती है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी है वो, परफेक्ट है बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हम रोज़ बना रहे हैं, उसकी आइसिंग कर रहे हैं। एक घंटा जब आधा घंटा जब मैंने फ्रिज में रख दिया था ना, तो मुझे इतनी आसानी हो गई थी ये आइसिंग करने में। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, ये कैमरा चेंज हो गया है। ज़रा सा हुआ ये था कि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन और मेमोरी फुल, तो फिर मैंने दूसरा मोबाइल लिया, फिर उससे जो है वो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की है, तो ये थोड़ा सा रिज़ल्ट आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा इसका। अच्छा जी, ये हो गया, ये हमारा केक जो है आइसिंग के साथ तैयार है। ठीक है, इसके ऊपर आप शुगर बॉल्स लगा देंगे, सिल्वर मेरे पास रखे हुए थे वो मैंने लगा दिए थे फ्लावर्स के ऊपर जो मैंने बनाए थे। अच्छा जी, आगे जो है वो व्लॉग आने वाला है इंशाल्लाह ताला, मैं कल या परसों अपलोड कर दूँगी व्लॉग को, आप लोग बताइएगा और मेरी रेसिपी से जो है वो केक बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बनाया है। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये तैयार है केक आइसिंग के साथ। ये देखें, ये मैंने पिक्चर ली थी। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा, बहुत सॉफ्ट बना था, बहुत मज़े का बना था। अब ये देखिए, ये रात में मैं लेकर बैठी थी केक, तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना था। अब ये देखिएगा, ये मैं खा रही हूँ, ये देखें, ये देखें, बहुत यमी बना था, इतना सॉफ्ट बना था। आप लोगों के भी घर में बनाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।